सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आ चुका हूँ गेम प्ले वीडियो के साथ और आ चुका हूँ पोचिंग की। अब ये वाले गेम प्ले में भाई कतई तबाही सी मचने वाली है। सामने देख सकते हो स्क्वाड्स उतरी जा रही है और जल्दी से गन उठाते हैं और फिर खत्म करते हैं सभी बंदों को। Watch out! I got supplies. Marked a location. Marked a location. अब पोचिंग के पीछे साइड में जितने भी बॉट वगैरह या फिर जो भी बंदे उतरे होते हैं, मैं उनको फिनिश कर देता हूं और उसके बाद सामने की तरफ जाता हूं, क्योंकि टीममेट के पास में बंदे आ चुके थे तो निपटाते हैं इनको जाके। अबे ये पर जो ऊपर है तो यहाँ पे यार इन बंदों को फिनिश करने के बाद इधर के साइड को नहीं बचता और पोचिंग का हम लोगों ने एक साइड क्लियर कर दिया था। तो हम लोग को निकल के जाना था मिड में, क्योंकि यार वहाँ से फायर आ ही जा रहा था बहुत देर से और यहाँ पे बंदों को फुटस्टेप भी वैसे आ जाती है, तो निपटाते हैं इनको भी जाके। Awesome. Thanks. I got supplies. I got supplies. Marked a location. अब इन दोनों बंदों को यहाँ पर फिनिश करने के बाद इधर के साइड को नहीं बचता, तो हम लोग निकलते हैं और बंदों को हंट करने के लिए। लेकिन अचानक से पोचिंग में कहीं से बंदे आ जाते हैं, तो जाते हैं फिनिश करने उनको। Marked a location. अब यहाँ दो नंबर बच नहीं पाता, लेकिन हाँ जिस बंदे ने दो नंबर को नॉक किया था मैं उसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और वैसे दो नंबर के पास में M4 थी तो M4 भी ले लेते हैं, क्योंकि यार स्किन वगैरह भी तो चमकाना है। और सामने स्क्वाड हाउस पे एक बंदा आ चुका है जो कि एक नंबर टीममेट को नॉक कर दिया है, तो थोड़ा जाते बचाने के लिए उसको।
उठ गया भाई, उठ गया भाई, उठ गया, उठ गया। अब इस बंदे को अपने मैं जैसे फिनिश करता हूँ, चर्च के तरफ से फायर आया था तो जाकर देखते हैं। और वैसे बंदा यार पीपी बाइजन से फायर किया था जो कि मुझे सामने स्पॉट हो गया। अभी यहाँ पे जैसा नॉक होता है मैं सीधा रश कर देता हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये बंदा रिवाइव हो जाएगा। और ये दोनों बंदे भाई गलत ही फुटस्टेप दे दे के मेरे को कन्फ्यूज कर रहे थे, तो निपटाते हैं इनको, बस तुम देखते जाओ कैसे। तो इस भाई के साथ यहाँ पे इनकी स्क्वाड का आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुका होता है। और तभी पूछेंगे इसे फायर आता है, मैं आता हूँ चेक करने के सामने बंदा। Awesome. इस बॉल को फिनिश करने के बाद वहां से मैं निकल के सीधा रिकॉलिंग आता हूँ, क्योंकि टीममेट बता देते यहाँ पे बंदे हैं। और सच में यहाँ पे यार टोटल 2 स्क्वाड हो जाती है और तुम्हारा भाई जाकर वहां पे क्लच करेगा, बस तुम देखते जाओ कैसे। अब इस भाई को फिनिश करने के बाद हम लोग बस बंदे खोज रहे होते हैं और हम लोग आते हैं जॉर्जो के रिकॉलिंग के पास। और भाई यहाँ पे 4 स्क्वाड हम लोग को मिला के अब ये जो बंदा मुझे नॉक करता है वो मेरे 2 टीममेट को और फिनिश कर देता है। मतलब ये बंदा बहुत गंदा वाला कैंपर था। 3 नंबर मैं गाड़ी लेकर रश कर रहा हूँ राइट साइड से, तुम एक काम करो लेफ्ट साइड से, वो मेरे को जब मारने निकलेगा ना तुम उसको पेल देना। और टीममेट यहाँ पे मेरा बात सुन लेता है, उसको आराम से यहाँ पे फिनिश कर देता है। फिलहाल मैं बंदे खोज रहा होता हूँ और सामने वाले स्क्वाड हाउस पे US दिखती है और टीममेट मार्क कर देता है यहाँ पे बंदा है, तो निपटाते हैं इनको भी। अब जैसे यहाँ पे मैं नेट फेंकता हूँ बंदा ऊपर भाग जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती वही होती है क्योंकि जोन उसको जब पुश कर रहा होता है मुझे एक ऐसा एंगल मिलता है, मैं देखो बस कैसे मारूंगा उसको।
तो फाइनली यार आज का हम लोग को चिकन हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो मेरे भाई जाकर सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और गाइज आज का लाइक अगेन एक लाइक का है, तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।